अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े की आसान नो कुक रेसिपी लेकर आए हैं। बच्चों की बहुत फेवरेट है और आप जब एक दफ़ा बनाएंगे तो बच्चे आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इसको बनाने की। बहुत आसानी से तैयार होती है, तो आइए देखते हैं। यहाँ मैंने हैवी व्हिपिंग क्रीम ली है, जो कि मैंने एक कप ले ली है, और ये बोल है जिसे मैंने आधा घंटा पहले फ्रिज में ठंडा कर लिया था। तो ठंडा करने से ये अच्छी सी मिक्स होती है और आप देखें इसकी बहुत अच्छे तरीके से व्हिप बनती है। इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना, बस इतनी सी हो गई है। तो अब इसमें हम 2 टेबलस्पून न्यूटेला की ऐड कर रहे हैं, तो क्योंकि न्यूटेला को भी हमने बीट करना है, तो इसलिए इसे हम बहुत ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, बस इतना इनफ बीट कर लेंगे कि जब आपको ये ट्रेसेस नज़र आने शुरू हो जाएं तो बस आपने फिर इसको रोक देना है। तो थोड़े से गाढ़े ट्रेसेस आपको नज़र आने लगेंगे तो फिर आपने इसे रोक देना है जी। अब यहाँ पर हमने इसे रोक दिया है और अब इसके किनारे सारे साफ़ करके उसके बीच में हम इन्हें भी फोल्ड कर लेंगे। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल कुछ आपका इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और क्विकली बन जाती है, और जितना आप शौक़ से बनाते हैं उतने ही शौक़ से बच्चे भी इसे पसंद करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ ओरियोज़ ले लिए थे, जिनको मैंने हाथों से ही क्रश करके इसमें फोल्ड कर देना है, और यहाँ पर आप इसे इस तरीके से मिक्स कर लें। ओरियोज़ का एक अपना क्रंच है, अगर वो ज़्यादा देर इसमें रह भी जाएँ तो उनको उनका एक अच्छा सा टेक्सचर बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने वेफ़र्स लिए हैं, जो कि हेज़लनट के वेफ़र्स हैं। आप चाहें तो चॉकलेट वाले भी ले सकते हैं। तो इनको भी हाथों से इस तरह से तोड़ लें अच्छी तरह से, और जब ये अच्छे से आप इसको कर लें तो फिर इस तरह से हम कप्स ले लेंगे, जिन कप्स के अंदर हम इन्हें सबसे पहली लेयर लगा देंगे। तो इस तरह क्लियर से कप्स आपको आसानी से मिल जाते हैं, उसमें पहली लेयर लगाइए। और ये आप अगर बनाना शुरू करेंगे, बच्चे भी बहुत हेल्प कर देते हैं इस तरह की चीज़ बनाने में आपकी ना। तो एक ग्लास लेकर मैंने इसको यहाँ पर लेवल कर दिया है। इस तरह से जब लेवल करते हैं तो ये क्लियरली अच्छी सी लेयर तैयार हो जाती है। तो अब इसके बाद मैंने न्यूटेला लेकर ग्लास के अंदर की साइड में इसको स्प्रेड किया है। तो जो खाना प्रेजेंट अच्छा हुआ होता है, उसको दिल भी करता है कि खाना शौक़ से बंदा खाए, और ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। लोग इसे ऑर्डर पे बनवाते हैं, आप चाहें तो इसका काम भी स्टार्ट कर सकते हैं और ऑर्डर्स पे भी बना सकते हैं दूसरों के लिए, जो कि बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली चीज़ है। अब इसमें मैंने ओरियो वाला जो मिक्सचर है उसको ऐड किया है, तो आपको जितना इनफ लगे आप उसको उतना डाल दें। तो मेरे ये तकरीबन 2-2 टेबलस्पून डल गए थे इसमें, और इससे ओरियो का एक अपना टेक्सचर होता है। आप इसे एक दिन पहले भी बना सकते हैं, बिल्कुल इसे कुछ भी नहीं होता, फ्रेश इसका रहता है और बल्कि अच्छा सा सेट हो जाता है। अब आप इसके ऊपर यहाँ पर आप इसमें जब ये लेवल कर लें अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर मैंने एक ज़िप लॉक के अंदर कूल व्हिप डाली थी। जो कूल व्हिप है ये जार वाली होगी जो टब में मिलती है, ये कैन वाली नहीं होगी जो कि स्प्रे करके यूज़ करते हैं, स्प्रे वाली मेल्ट हो जाती है। और ये वाली जो है ये मैंने लाइट में ली है, जिसमें मीठा कम होता है। तो इस तरह उसे भी हम एक लेवल कर लेंगे, और फिर थोड़े से वेफर्स हमने और ले लिए हैं, इनको फिर से हमने हाथों के साथ इनको तोड़ लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ना, बस इनफ हो कि इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो। और यहाँ पर हम इसे गार्निशिंग में डाल रहे हैं इस कप में। तो जब हमने ये डाल दिया तो इसके साथ हमारी टोटल 4 लेयर्स हो चुकी हैं अभी तक। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, बहुत बच्चों पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं। पार्टीज़ में बनाएं, जब आपको कुछ ऐसा हो कि कोई डिफरेंट मीठा बनाना है तो आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कूल व्हिप ली है, जिसका मैंने 1 चम्मच यहाँ पर इसके ऊपर
बस एक डॉट लगाने के लिए डाला है। और इसके बाद मेरे पास ये हर्शीज के चॉकलेट नगेट्स थे जो कि मैंने इसमें डाल दी हैं। आप चाहें तो वेफर्स भी डाल सकते हैं। देखिए कितना मज़े का ये तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को बनाएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।